सो गाइज यहाँ पे चल रही है शॉपिंग सनास क्लोजेट से, मामा शॉपिंग भी कर रही है बहुत सारी। देखो क्या लाया दी भाई आपके लिए, वाओ वाओ। तो जी यहाँ पे जो है शॉपिंग चल रही है सनास क्लोजेट से, मामा शॉपिंग भी कर रही है खूब सारी। मम्मी पसंद आए सूट, कितने फाइनल हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह से मुर्ग मखानी हो गया रेडी, आप देख सकते हैं गाइस। और मैं दिखा देती हूँ इसमें, ये देखिए ये सब ऑलरेडी सब अच्छे से कुक हो गया है। एंड इधर चल रही है बिरयानी की तैयारी। यस जी यहाँ अच्छे से ये हो गया, मैं अब इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ, थोड़ा यू नो इसका और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क, मैंने मतलब 1 mug ऑफ मिल्क इसमें ऐड किया है 1.5 kilo राइस में, क्योंकि इससे जो राइस है ना बहुत डिलीशियस बनता है गाइस। यहाँ पे तड़का हो गया है, चिकन ऑलरेडी डन दिखा दिया है, बिरयानी भी डन हो गई, बस तड़का लगाते हैं जी। माशाल्लाह से यहाँ बिरयानी रेडी हो गई है, मैं फटाफट पापा के लिए पैक कर रही हूँ खाना, बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है गाइस। और ये सब सामान मतलब ये लाए रोटी मतलब कुलचे गरम वाले, फ्राइड चिकन, फुल चिकन है ये, फिर मैं दिखाऊंगी अभी, एंड कबाब्स। और बस चलो मैं फटाफट पापा के लिए पैक कर देती हूँ। ये है फ्राइड एंड ये है कबाब्स, और ये स्टार्टर्स मैं लेकर जा रही हूँ। यहाँ पे स्टार्टर्स शुरू हो गए हैं, एंड ये खोलो बेटा कबाब, ये है कबाब चिकन सीख कबाब, ये है चिकन फ्राई। तो यहाँ से स्टार्टर स्टार्ट हो गया, मेन कोर्स इसके बाद दिया जाएगा। तो जी ये मैंने बिरयानी डिश आउट कर दी है, एंड इधर मुर्ग मखानी रेडी है, अब मैं मेन कोर्स देने जा रही हूँ जी। ये रेडी है, मैं सर्व करने जा रही हूँ बिरयानी एंड मुर्ग मखानी। डिनर बस मम्मा बस अभी खाऊंगी जी। मैंने यहाँ पर निकाल लिया है कोल्ड ड्रिंक और मैं लेकर जा रही हूँ बच्चों के लिए। ये है मीठे में रसमलाई, मैं सबको सर्व करने जा रही हूँ। सो गाइज यहाँ पर ये मीठा मैंने लगा दिया है, चलो अब लेकर चलते हैं। कुछ ये हाल हुआ है आफ्टर डिनर मेरे किचन का, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना बहुत पसंद आया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे भी यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, सब बच्चे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक एंड रसमलाई इंजॉय की जा रही है। ओहो मेरे भाई ने बोला कैसे हैं, सब बताइएगा व्यूअर्स, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कैसे हैं। ओके सब बढ़िया हैं। और सबको खाना कैसा लगा? बच्चों भी ले लो। और चिकन कैसा लगा? मुर्ग मखानी यम्मी। और बिरयानी कैसी लगी? फ्राई चिकन कबाब। सब दावत कैसी लगी आप लोगों को? शाही दावत थी ये अल्हम्दुलिल्लाह सबको दावत बहुत पसंद आई। अब हम इंतजार में हैं कि कब बच्चों के लिए आइसक्रीम आएगी। जी ये कर दिया मैंने पैक थोड़ा सा घर के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगा सबको खाना। जी यहाँ सबके लिए आइसक्रीम, क्योंकि इसके बिना तो दावत इम्पॉसिबल लगती है, तो चलो मैं सबको दे देती हूँ। जी ये इतनी बहुत सी आइसक्रीम अहमद ले आए हैं, माय गॉड वो किस किस के लिए लाए हो इतनी बहुत सी, ओ माय गॉड। चल रही है आइसक्रीम पार्टी, तो ये हो रही है सबकी आइसक्रीम पार्टी। तो जी घर से आया है इतने सारे गिफ्ट्स, आप देख सकते हैं ये तो है बुके, और ये है केक, मैं अभी खोलकर दिखाऊंगी आपको। ये है स्वीट्स, रसगुल्ले हैं अहमद के फेवरेट, एंड ये हमारा फेवरेट जूस ट्रॉपिकाना का, ये बनानास है इतने बहुत से आप देख सकते हैं, और ये एप्पल्स हैं वॉशिंगटन वाले जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये है जी पपाया, और ये हैं किन्नू। तो ये सारा सामान आया है आज घर से, मैं इसका एक वो ले लेती हूँ। तो ये जी आया है सब सामान घर से, कॉपीराइट। सो गाइज यहाँ आ गया है केक, रजा का वेट हो रहा है, आइसक्रीम पार्टी डन हो गई है, और अब हम केक कट करेंगे। और मैं रीज़न बता देती हूँ कि ये दावत क्यों हुई है, तो बता दूँ बच्चों बता दूँ। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे 6 month कंप्लीट हो गए हैं ऑनलाइन बिजनेस के, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यू सेटअप भी स्टार्ट किया है मद ने अपना, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो भी उनका एक नया बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह अलॉन्ग विद आर ऑनलाइन बिजनेस। तो मम्मा अच्छा चल रहा है ना, सब बढ़िया? ओ माय गॉड, अब वो तुझे कैमरा में ले लूँ? हाँ मुझे तो ले लो। ये देखो मम्मी और वो क्या कर रहे हैं। ओके ये सबको खाना बहुत पसंद आया, इसलिए सबने मुझे ये क्या दिए, मम्मा हाँ सॉरी अबू ने एंड मम्मा ने मुझे दिए, और ये हम दोनों के बहन और बहन भाई सब मम्मी का। अच्छा
सो गाइस आज तो मजा आ गया, देख लीजिए आप, आज खूब मजा आ गया माशाल्लाह। इतने सारे गिफ्ट लाए मम्मी और सारे भाई बहन, और ये मजा आ गया इसमें तो बहुत ही ज्यादा। तो अभी हम बस अब केक कट करेंगे इंशाल्लाह, रजा का वेट हो रहा है। सो मम्मा और सब लोग ये केक लेकर आए हैं। नो डोंट सिंग अ सॉन्ग। तो चलो अब इसे कट करते हैं। तो गाइस सब देख लीजिए, ये मम्मा सब और सब पूरी फैमिली लेकर आई है केक हमारे लिए, और अब हम इसे कट करने जा रहे हैं। मम्मा खोलिए ये गाइस, जस्ट लुक एट दिस, हाउ टेम्पटिंग इट लुक्स। किस बात के लिए? ये 6 month has been completed हमारे ऑनलाइन बिजनेस को, एंड कांग्रेचुलेशंस मेरे हस्बैंड के। तो उसी की सेलिब्रेशन के लिए मम्मा और मेरी फैमिली आई है, तो बस सेलिब्रेशन हो रही है। आइए जी, सो गाइस फैमिली लेकर आई है ब्यूटीफुल सा केक, बहुत डिलीशियस लग रहा है, एंड सब डिनर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबको खाना कैसा लगा? सबको खाना बहुत अच्छा। और अब हम जा रहे केक कट करने। 6 month has been completed, हमारे ऑनलाइन बिजनेस को हो चुके हैं, न्यू सेटअप ऑफ माय हस्बैंड, वो भी स्टार्ट हो गया है न्यू बिजनेस। तो उसी की खुशी में मम्मा लेकर आई है केक, जो हम खिलाने जा रहे हैं। कट चुका है केक, और बड़े मजे का केक है, और ये सेलिब्रेशन कम्प्लीट हुई। 6 month हैज बीन कम्प्लीटेड, हमारे ऑनलाइन बिजनेस हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे हस्बैंड का न्यू सेटअप स्टार्ट हुआ है बिजनेस का। तो उसी की खुशी में ये सेलिब्रेशन हो रही है एंड केक कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है केक। यहाँ पे चल रही है मस्ती, एंजॉयिंग। ये भाई अब मम्मी और सब लोग जा रहे हैं, अच्छे से हो गया है, ये खाना उठाओ जल्दी फटाफट जी। मामा और सिस्टर्स भाई सब लोग अब घर जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। अरे अबू ने तो बोल दिया है मुझे, आप वीडियो में ले लें आराम से, आराम से। मम्मी कोई बात थोड़ी है, तुम लोग, मैं अहमद को भी ले लेती हूँ आराम से। ये मामा बाय कर दो सब व्यूवर्स को, बाय। मामा एंड अबू जा रहे हैं, रजू अल्लाह हाफिज। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह किचन क्लीनिंग हो गई है, यूटेंसिल सब वॉश हो गए हैं, एंड ये फ्रूट्स मैंने एप्पल्स जो हैं वो फ्रिज में डाल दिए, बाकी सब फ्रूट मैंने बाहर रखा है क्योंकि खाया नहीं जाता, और एप्पल्स काफ़ी थे तो मैंने स्टोर कर लिए हैं, वो आराम से यूज़ हो जाते हैं। और बाकी मैंने ये किन्नू, ये पपाया, बनाना, ये सब चीज़ें रखी हैं, और ये अमित के लिए केक निकाल कर रखा है, बाकी सब फ्रिज में डाल दिया, एंड कोल्ड ड्रिंक बच गई थी थोड़ी सी। तो बस हो गई किचन क्लीनिंग, अब मैं रूम को क्लीन करने जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह दावत बहुत अच्छे से हो गई, सबको खाना बहुत पसंद आया है, मैंने बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे दावत दी मम्मी पापा को, एंटिस्टर्स को, मेरी पूरी फैमिली को, मतलब अपने ससुराल वालों को, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वाइंड अप हो गया सब। बहुत सारे गिफ्ट्स लाए मम्मी और सिस्टर्स वगैरह, एंड सुमैया अज़फर तुम्हें बहुत मिस किया गया है बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह तुम लोग आ जाओ फिर एक ग्रैंड लेवल पर दावत, तुम्हारे जीजू तुम्हें देंगे इंशाल्लाह। और अभी बज रहे हैं रात के 1:30, आई थिंक 1:20 या 1:25 हो रहा है, और मैं पढ़ने जा रही हूँ नमाज़, क्योंकि मेरी ईशा की नमाज़ आ गई थी, और आपको पता है कि मैं बिना नमाज़ पढ़े नहीं सो सकती, क्योंकि मैं नमाज़ खाना छोड़ सकती हूँ पर नमाज़ नहीं, क्योंकि बस मेरी लाइक नमाज़ मेरे लिए प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा, और यही रीज़न है नमाज़ के हम पाबंद हैं, इसीलिए अल्लाह हमें इतने अच्छे से नवाज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि नमाज़ मत छोड़ा करें, नमाज़ पढ़ने से ही घर में बरकतें और रहमतें आती हैं, तो और आपके हस्बैंड्स की रोज़ी में बरकत आती है और रोज़ी बढ़ती है बहुत अच्छे तरीके से, तो इसलिए नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों को रोज़ी के लिए दुआ पढ़नी है, तो मैं आप लोगों को आज एक छोटी सी दुआ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ईशा में 4 फ़र्ज़ के बाद आप लोग सूरह इख़लास पढ़ा करें, आगे पीछे 3 मरतबा दुरूद शरीफ पूरा वाला, तो इंशाल्लाह आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो सकती, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, और आपके हस्बैंड्स की रोज़ी में खूब बरकत होगी। तो माशाल्लाह मैंने आज़माया है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किए ये चीज़। अल्लाह का तो कलाम जो भी आप डेली पढ़ोगे और अच्छे दिल से पढ़ोगे, अच्छी नीयत से पढ़ोगे, तो अल्लाह पाक आपके घरों में रहमतें और बरकतें ज़रूर देगा। मेरे साथ मैंने आजमाया है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है, ज़रूर पढ़ा करें, आपके घर में भी रहमतें और बरकतें रहेंगी। और अल्लाह का शुक्र है दावत बहुत अच्छे से वाइंड अप हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दावत का रीज़न यही था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि माशाल्लाह हमारे जो ऑनलाइन बिज़नेस है उसके भी 6 month कम्प्लीट हो गए हैं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। मेरे हस्बैंड ने मुझे दावत ऑलरेडी दे दी थी गुलशन करीम में, बट हम लोगों का था कि
मैं मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी जो है मेरे अल्लाह के बाद मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड हैं। तो हस्बैंड के साथ तो हो गया था, अब फैमिली के साथ भी करना था, मम्मी डैडी और सिस्टर्स के साथ। तो आज फाइनली उनके साथ भी हमने सेलिब्रेट कर लिया। 6 मंथ की जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सारे कस्टमर्स और ऑल ओवर इंडिया से हम लोग को मिला है। अल्लाह पाक ऐसे कंटिन्यू रहे। और यस, एक बहुत बड़ी न्यूज़ हमारी लाइफ की जो कि मेरे हस्बैंड का न्यू सेटअप, न्यू बिज़नेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छे लेवल पर जा रहा है। बस दुआ कीजिएगा या अल्लाह उनका काम बहुत ऊंचाइयों पर जाए, मतलब बहुत 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 ऊंचाइयों पर जाए। अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को बहुत सारा मेरे नसीब से बरकतों वाली रोज़ी दे, खूब खूब कारोबार में बरकत दे, बरकतों वाली रोज़ी दे, लगन दे और बढ़ाने की उस कारोबार को जो उन्होंने शुरू किया है न्यू सेटअप उनका। और बस खूब ऊपर तरक्की मिले उनको इंशाल्लाह, मेरे फादर को भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारा ये ऑनलाइन बिज़नेस तो कंटिन्यू है ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस दुआ करते रहिए, इसी तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है और अल्लाह का नाम हमेशा लेते रहना है। अल्लाह को नहीं भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि अल्लाह से अच्छी नीयत करने वाले की हमेशा हर दुआ अल्लाह कबूल करता है। तो नीयत आप कीजिए, अल्लाह उसके असबाब ऑटोमेटिकली बना देता है। तो बस मैं यहाँ पर अपने व्लॉग को कर दूंगी एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा प्रैप और दावत दोनों व्लॉग्स ज़रूर देखना। मैं दो ही पार्ट्स में व्लॉग को शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। सो इस पर भी प्यार देते रहिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड लव वंस के साथ और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को मेरी ये ग्रैंड शाही दावत मेरे हस्बैंड ने जो मेरी फैमिली को दी है कैसी लगी आप लोगों को। और रेसिपीज़ मैंने बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके डिटेल में दी हैं, बट कहीं अगर भूल चुकी हुई तो उसके लिए माजत चाहती हूँ। और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने और मैं सबको दुआ में याद रखूँगी, आप लोग भी मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिलीज को, मेरे मम्मी डैडी को, मेरे हस्बैंड्स को, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़, बाय। एक चीज़ और शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि माशाल्लाह मेरे भाई को खाना इतना पसंद आया, मेरे हाथ की बिरयानी और मुर्ग मखानी, और मतलब ओवरऑल जो है मैंने सब प्रिपरेशंस की थी, मतलब इतने सारे स्टार्टर्स एंड मेन कोर्स वगैरह सब एंड डेजर्ट आइसक्रीम सब चीज़, तो उसको इतना पसंद आया कि उसने मुझे मैंने वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया, उसने मुझे खाना अच्छा, जैसे जब किसी को खाना बहुत पसंद आता है ना आपके फैमिली में तो पैसे दिए रहते हैं, तो वो वाकई मेरे लिए बहुत मैटर करता है एंड मॉम ने भी दिए तो मेरे लिए बहुत 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 मैटर किया कि सबको मेरे यहाँ का खाना इतना पसंद आया, इतना अच्छे से उन लोगों ने इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह उनके नसीब से मेरे हस्बैंड को और बहुत सारा दे, बस मैं तो यही दुआ करती हूँ। और आप लोग भी प्लीज़ मेरे हस्बैंड के न्यू सेटअप के लिए बहुत सारी दुआ करना, न्यू बिज़नेस के लिए बहुत सारी दुआ करना। बस यही कहना था, अल्लाह हाफिज़। गाइस सुबह सुबह ये रोज़ेस देख के ना मुझे बड़ा सा अच्छा सा लगा, एकदम फ्रेश फील हुआ। और आज मेरी मॉर्निंग भी ना गाइस, आई थिंक 1:30 हो रहा है। मैं आज बहुत लेट उठी हूँ क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको दावत बहुत पसंद आई, इतनी शाही, इतनी ग्रैंड लेवल पे मैंने दावत दी है कल मेरी फैमिली वालों को, बहुत अच्छा लगा सबको। और ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हम लोग का ना मतलब दिन बन गया यार माशाल्लाह। इतने सारे गिफ्ट्स मम्मी डैडी ने भेजे और मम्मी डैडी लेकर आए और सिस्टर और भाई, भाई ने मुझे भी पैसे दिए, उसको खाना बहुत पसंद आया क्योंकि अहमद मतलब ये बोला था कि बस बेस्ट से बेस्ट करना, तुम बस कोई कमी नहीं आए। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को ऐसी खूब तरक्की और कामयाबी दे और थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस व्लॉग के लिए एक्साइटेड रहना क्योंकि बहुत जल्दी अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। बाय।